Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayati Vidyapeeth Women's University. Today we will discuss about a topic from Theory of Structure, which is Castellino's second theorem based numericals. In the first question, question says, using Castellino's theorem of minimum strain energy, analyze the frame shown in figure. EI is constant for the whole frame. ठीक है, यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, एक फ्रेम दे रखा है, ठीक है, जिसमें हमको क्या करना है, एनालाइज करना है इसको. इसमें कोई इसमें सारी रिएक्शंस दे रखी है हमको, एम आर एच आर डी सब कुछ दे रखा है, 10 kN दे रखा है, सारी डायमेंशन दे रखी है, और EI क्या बोल रखा है, कॉन्स्टेंट बोल रखा है. अब यहाँ पे क्या है, 5 अननोन रिएक्शन हमको दी हुई है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्मा वी इक्वल टू जीरो करते हैं. ठीक है, उससे क्या होता है, माइनस आर प्लस आर डी इक्वल टू जीरो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी. सिग्मा एच क्यों क्यों किया सिग्मा एच, क्योंकि यहाँ पे एक 10 kN लग रहा है और एक एच और एच डी यहाँ पे लग रहे हैं, तो हमने सिग्मा एच इक्वल टू जीरो किया, उससे हमारे पास एच डी 10 - H आ गया. सिग्मा एम डी की हम बात करेंगे, तो सिग्मा एम डी जब इसके बेसिस पे लेंगे तो हमारे पास क्या आर क्या आ जाएगा, 10 - M/4 आ जाएगा, जो क्या होगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल्स टू आर डी होगा. अब क्या करेंगे, फॉर थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी हमारे पास क्या है, दो रिडेंडेंट रिएक्शंस हैं, एम एंड एच दोनों ही हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार एम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे स्ट्रेन एनर्जी का, और दूसरी बार स्ट्रेन एनर्जी का एच के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. तो सब हम सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, हम ए बी मेंबर की बात करते हैं, इस ए बी मेंबर बी सी मेंबर और सी डी मेंबर की हम बात करते हैं. ठीक है, तो ए हमारा ओरिजिन है, लिमिट हमारी 0.4 है, फ्लक्चुरिटी हमारे पास सारे मेंबर्स के लिए कांस्टेंट है. एम क्या होगा, माइनस का एम प्लस का एच एक्स हो जाएगा, माइनस का एम एंड प्लस का एच एक्स कोई भी एक एक्स सेक्शन पे. ठीक है, उसके बाद मेरा डेल एम एक्स अपॉन डेल एम क्या होगा, माइनस का 1 आ जाएगा, और डेल एम अपॉन डेल एच क्या होगा, माइनस का एक्स आ जाएगा. फिर सी बी सेक्शन की हम बात करेंगे, 0.4 तो 0 से 4 तक हमारी क्या है, लिमिट है. जो मूवमेंट आएगा वो क्या आएगा, 4H - 40 प्लस 10x - mx/4 आ जाएगा. जब हम डेल एम एक्स बाय डेल एम करेंगे तो माइनस का x/4 आएगा, और जब एच के रेस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा. डीसी क्या होगा हमारे पास, डीसी मेंबर के लिए लिमिट 0.0 से 4 होगी, और इसका जो मूवमेंट निकलेगा वो माइनस प्लस का एच एक्स माइनस का 10x निकलेगा. जो जब हम एम के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 होगा, और जब हम एच के रेस्पेक्ट करेंगे तो प्लस एक्स होगा. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेल यू बाय डेल एम करते हैं, स्ट्रेन एनर्जी का एम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं. तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आता है. इसके बेस फॉर्मूले में क्या करते हैं, सबके हर एक मेंबर्स की वैल्यूज पुट करते हैं. जीरो पुट होने की वजह से, जीरो होने की वजह से यहाँ पे जो थर्ड मेंबर है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. जब हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आती है, -m - 3h + 5 = 0. अब क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एच करेंगे, स्ट्रेन एनर्जी का एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे. तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हर एक मेंबर के रेस्पेक्ट में वैल्यूज पुट कर देते हैं, इस पूरी वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है, माइनस का एम प्लस का 20/3h माइनस का 100/3 = 0. दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो एच की वैल्यू 7.73 kN और एम की वैल्यू 18.19 kN/m आ जाएगी. इस एच और एम की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ जो हमने इक्वेशन निकाली है ये वाली उसमें पुट कर देंगे, और साथ के साथ किसमें पुट कर देंगे, आर और आर डी की वैल्यू और एच डी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे पुट कर देंगे. जैसे हमने वैल्यू सारी मूवमेंट की वैल्यू और आर एच डी और आर डी की वैल्यू में पुट करी तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई. इन वैल्यूज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क एनालिसिस पोर्टल फ्रेम शोन इन फिगर एंड ऑल्सो प्लॉट बी एम डी. ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक हमको डायग्राम फ्रेम दे रखा है. ऑब्वियसली इस फ्रेम को देख के हमको समझ में आ रहा है ये क्या है, स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट फर्स्ट डिग्री का इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एच ए और एच डी जो होंगे वो सेम सेम डायरेक्शन में क्या होगी, रिएक्शन लग रही है. ठीक है, और इसमें क्या होगा, एच को इस एच को एच ए को हम क्या करेंगे, एच की तरह हम एच हमारी रिएक्शन मान के रिडंडेंट रिएक्शन मान के यूज करेंगे. तो जब हम सिग्मा वी इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास वी ए प्लस वी डी इक्वल टू 6 आ जाएगा, और सिग्मा एम डी इक्वल टू करने पे वी ए की वैल्यू 2.5 प्लस एच बाय 3 आ जाएगी, तो उससे वी डी की वैल्यू 3.5 माइनस का एच बाय 3 आ जाएगी. अब हमको क्या करना है, पूरे डी से लेके ए तक का पूरे फ्रेम का एक बार क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में. ठीक है,
तो जब हम एच के रेस्पेक्ट में ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, अब हम क्या करते हैं वही हमारा पुराना टेबल बनाते हैं, ए बी मेंबर के लिए बात करते हैं, 0 to 3 लिमिट होगी, जो मूवमेंट होगा वो एच एक्स माइनस 1 into h² / 2 होगा, और जो एच के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा। बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बी हमारे पास ओरिजन होगा, 0 to 1 लिमिट होगी, हमारा मूवमेंट जो होगा वो 3h - 4.5 + 3.5x - hx / 3 आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 - 3 x/3 आ जाएगा। CE के बात मेंबर की बात करेंगे तो 0 to 2 हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, हमारा जो मोमेंट आएगा वो -6 + 2h + 2.5x + h/3x आएगा, और जब हम इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 2 + x / 3 x / 3 आ जाएगी। डीसी की बात करेंगे तो 0 to 2 हमारी क्या होगी, लिमिट होगी, -3 - h × x हमारे पास क्या होगा, मोमेंट होगा, और प्लस का एक्स हमारे पास क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। जब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे हर एक मेंबर के अकॉर्डिंग, तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी 1.36 किलो न्यूटन होगी। इस 1.36 किलो न्यूटन को वी ए वी डी की वैल्यू में और एम ए एम बी एम सी एम डी की वैल्यू में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, सारी मोमेंट्स की वैल्यू आ जाएगी, और उस मोमेंट्स के बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना देंगे। फिर उसके बाद हमको क्या दे रखा है, ए बी मेंबर में एक यूडीएल दे रखा है, तो यूडीएल का फॉर्मूले से हम लोग जब मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो 1.125 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा, और बीई मेंबर में एक डिफरेंट एंड के से जो लोकेशन है लोड की वो डिफरेंट एंड से अलग अलग है, तो हमारे पास उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू ए बी बाय एल होता है, उसके बेसिस पे अगर हम मोमेंट निकालेंगे तो वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इट इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।